भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा हिंदी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन पेज 45 वर्क 2 गाथा 1 अज्ञानियों को देखता है। महाकश्यप थवी की कथा स्थान चेतवन। महाकश्यप भगवान बुद्ध के परम शिष्य बन गए थे। वे राजगृह के पास पिपली गुफा में रहते थे, वहीं साधना करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया, वे अलौकिक ग्रीव प्राप्त करें और पूर्व जन्मों को देखें। वे जानना चाहते थे अपने पूर्व जन्म जन्मांतर का जब दिव्य दृष्टि थे। इस दृष्टि को पाने के लिए वे पिपली गुफा में ध्यानस्थ थे। भगवान ने अपने दिव्य चक्षु से जब ये देखा कि महाकश्यप ऐसा कर रहा है, वह अपना समय गवा रहा है, तो वह उसके ध्यान में प्रकट हुए। महाकश्यप को उद्बोधन हुआ, वत् कश्यप, प्राणियों के जन्म और मरण की अनंत श्रृंखला है, तुम उसकी गणना नहीं कर पाओगे। यह तुम्हारे लिए सुविधा नहीं है कि तुम इसमें ही लगे रहो कि तुम इन्हें गिन सकते हो या नहीं। गणना करना तुम्हें अनुकूल नहीं है, यह तो केवल बुद्धों का काम है। तुम उठो, जागृत होवो, प्रमाण छोड़ो और अपने को एक द्वीप की तरह संस्थापित करो। तथागत ने धर्म प्रविचय किया। वे जेतवन में विहरते थे। बोले, भिक्षु, जब विद्वान उत्साह या उद्योग के द्वारा आलस्य को छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है, उसे धकेल देता है, तब वह प्रज्ञा रूपी किले पर आरूढ़ हो जाता है और शोक रहित हो जाता है। उस किले पर आरोहण करके वह शोक संतप्त भीड़ को उसी प्रकार देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा धैर्यशाली व्यक्ति जमीन पर खड़े बालक को देखता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने धर्म प्रविचय किया। भिक्षुओं, विद्वान जब प्रमाद को और अप्रमाद से हटा देता है, तब वे शोक रहित हो शोकाकुल प्रजा को प्रजा रूपी प्रसाद पर चढ़कर पर्वत पर खड़ा व्यक्ति भूमि पर पड़ी वस्तु को देखता है, वैसे ही वह धीर पुरुष अज्ञानियों को देखता है। भगवान ने उस समय ये गाथा कही। परमादम अपमादेन यदा नुदति पंडितो प्राणा पासा दमा राहु अशोको तोकिनिम पजम पप तटो व भूम मटे हीरो वाले अवेक्षति। जब पंडित प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है, तब वे शोका रहित हो शोकाकुल प्रजा को प्रजा रूपी प्रसाद पर चढ़कर जैसे पर्वत पर खड़ा पुरुष भूमि पर स्थित वस्तु को देखता है, वैसे ही धीर पुरुष अज्ञानियों को देखता है। मीनिंग द प्रजा पासा दामरू व प्रजा के किले पर चढ़कर आसो को शोक रहित तो किनी शोक संतप प्रजम भीड़ को पप्ततो पर्वत पर स्थित भूमटे भूमि पर स्थित बाले बालक पर आवेक्षति नीचे को नीचे की ओर दिखता है। हाँ, बहुत ही सुंदर पढ़ा ये। एक तो इसमें ये आया था ना, प्रज्ञा के किले पर, ये प्रजा नहीं प्रज्ञा है ये तो। प्रज्ञा वह होती है ना जो विवेक बुद्धि वो जो क्षण भंगुर और उसमें डिफरेंस कर सकती हो, आई और मटेरियल में डिफरेंस करके जो मनुष्य जीता है वो प्रज्ञावान पुरुष कहलाता है। तो प्रज्ञावान प्रज्ञा के किले पर चढ़कर, प्रज्ञा का किले ऐसा हो गया कि जो आप बॉडी भाव से बिल्कुल ही अलग होकर अपनी कॉन्शियसनेस में स्थिर हो गया, जो वो कॉन्शियसनेस भी जब तक चलती है जब तक बॉडी है, कॉन्शियसनेस जब अवेयरनेस में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कन्वर्जन जो आता है वो कन्वर्जन बुद्ध पुरुषों में आ जाता है। वो शरीर छोड़ने से पहले वो जो पैडलिंग वाली बात हो रही थी ना, तो वो यही है कि वो बुद्ध का पैडल मारना खत्म हो गया था, उनका जो प्रारब्धवश था, तो उसके कारण उन्होंने जो भी जिस भी मीडियम को अपनाया ज्ञान देने का,
चाहे वो मौन था चाहे जैसा भी था उनका, तो वो क्या होता है, वो जीवन में अपनी कामना नहीं रह जाती उस मनुष्य की, कोई भी बॉडी कॉन्शियस भाव नहीं रह जाता, तो उस अवस्था को कहते हैं प्रज्ञा का किला। तो अब उस किले पर बैठ जाते हैं, तो अब उसमें जब किले पर आप बैठ गए, तो जो जितने भी आपके पास में जो आते हैं संसारिक मनुष्य, तो आप उनको कैसे बालक की तरह ही तो देखेंगे ना, क्योंकि वो अभी नहीं पहुंचे वहां तक। लेकिन उसमें क्या होता है, सुप्रीमेसी का नहीं होता भाव, एक जो वो गुरु तत्व ऐसे में स्थापित हो गया कि गुरु के लिए सारा ही संसार वैसा, क्योंकि वो अंदर के गुरु को उसके भी देख रहा है कि वो गुरु वाली पद पर आया तो नहीं है, लेकिन शिष्य शिष्य वाला जो है रोल चल रहा है। लेकिन कोई शिष्य भी नहीं होते, शिष्य भी नहीं होते। बुद्ध की करुणा तो चाहे उनका कोई शिष्य है चाहे नहीं है उस पर बहती रहेगी, चाहे अज्ञानी जीव आया चाहे वो बुद्ध को सुनना चाहे चाहे नहीं चाहे सुनना, लेकिन बुद्ध उसके सामने उसको समझाने का प्रयास करेंगे ही। जितने भी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को डिसोल्यूशन हमारा तब तक ही होता है जब तक हम सामने किसी बंदे को उस चीज से ना निकाल दें बाहर। निकालना एक तो होता है संसारिक मनुष्यों की, जो कंपनी मनुष्य करता है, तो उसमें संसारिक मनुष्यों में अपनी भी वृत्तियों से संचालित होता है वो, जो भी वीकनेसेस हैं उसकी, तो वो वीकनेस से संचालित है, तो वो पूरी तरह से क्लियर विजन नहीं होती। क्लियर विजन उसी मनुष्य की होती है जो कॉन्शियसनेस, जिसकी अवेयरनेस में कन्वर्ट हो गई। अब वो खुद अपने लिए दुख नहीं पैदा कर रहा। अभी तो क्या है, हम किसी भी संसार का कोई भी दुखी प्राणी देखते हैं तो हमारे ऊपर दुख आ जाता है मन पर, और दुख के कारण हमारा जो है कारण बन जाता है, कारण करके फिर हम जो है करुणा करुणा कह दीजिए या जो भी काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही कारण मौजूद होता है ना कुछ भी करने का, तो वो ईगो रोल प्ले कर रही होती है। लेकिन जब कारणातीत होकर जब आप कोई भी कार्य करते हैं, तब आप जो है उस श्रेणी में जाते हैं जिसमें बुद्ध होते हैं। तो कारण के बिना जब आप काम करना शुरू करेंगे ना, तो वो अवस्था प्रज्ञावान पुरुष की होती है। तो उस अवस्था तक सभी को ही जाना है, उसके बिना निर्वाण की गति, मतलब ये जो जन्म मृत्यु के चक्र वाला जो अवस्था है वो खत्म नहीं होती। तो वही होता है कि कॉन्शियस एक्शन, अभी अभी हमारी तो अपनी सबकी स्टेज अभी कॉन्शियस एक्शन वाली चल रही है, लेकिन कॉन्शियस एक्शन में भी हम अपनी वृत्ति को हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं या हम बैलेंस होकर कर रहे हैं, तो वो बैलेंस में आना जरूरी है। बैलेंस में क्या है कि ये सभी जो चीजें हैं ये मतलब बैलेंस में आओगे तो तभी ही काम चलेगा। अच्छा जी आप बोलेंगे। अच्छा जी यस यस यस। तो ये जो उनका जो कहना ये था जो मुझे थोड़ा समझ में आया कि मिस्ट्रीज जो होती है ना बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, दे आर बियॉन्ड द नॉर्मल माइंड्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, तो वी शुड नॉट बॉदर आवर माइंड्स विद दीस इश्यूज। We have to focus on our own growth, on our own evolution, how far we are evolving and where we have to go. Because इसमें ये ऐसा है ना चक्र भी है कि इसमें आप फंसेंगे तो आप फंसते ही जाओगे और इसका कुछ अंत नहीं है। Unless you are beyond this, your own mind, you cannot understand these issues of life. तो मेरा हिसाब से तो यही है कि अपने जो मन बुद्धि विवेक उसको सबको एकदम वन पॉइंटेड कर कर एक जागरूकता में रहनी है, एकाग्रता में रहनी है, सुजागी में रहनी है, और ये हमको आगे अपना खुद का उन्नति कराएगी। क्योंकि बाहरी ज्ञान तो कुछ भी मिले, पर जो अंतर का जो जर्नी है उसके ऊपर जाके विशेष ध्यान देना है। तो दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। तो आप लोग वापस फिर या और कुछ भी समझा सकते हो इसमें? नहीं, मुझे भी यही समझ आया इसमें, क्योंकि जब वो ये महाकश्यप वो जानना चाह रहे हैं अपने पास का, और तो तब बुद्ध जिनकी अलौकिक दृष्टि है वो उसको आके कह रहे हैं कि तू इस चीज में फंस नहीं फंस, क्योंकि ये जन्म मरण और उसमें से एक में से ये भी कहना कि जो हो गया उसको बार बार उसके ऊपर ब्रूड करते रहना का कोई फायदा नहीं। जो अभी है जैसे हम कहते हैं कि लिव इन द मोमेंट एंड नो व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, क्योंकि उसके ऊपर वो पैदा करने से आप अपनी क्या कहो अपनी शक्ति अपना सब कुछ कहते हैं ऐसे ही फालतू में गवा रहे हो। तो जो एनर्जी है वो प्रेजेंट में इन्वेस्ट करो रादर देन इन्वेस्टिंग इन द पास्ट। और तो वो तो कि बुद्धों का जब वो कह रहे हैं ये तो केवल बुद्धों का काम है, तुम उठो जागृत हो। जब बुद्धों का काम मतलब जो उस
लेवल पर, जैसे जैसे बुद्ध स्वयं कि वो इतनी उनकी वो अलौकिक दृष्टि है कि वो आगे पीछे सबको देखते हैं, तो पर हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं हम उसमें अपना समय ना गवाएं और अपने प्रेजेंट को जीते हुए अपना 100% दें। तभी वो कह रहे हैं कि प्रमाद से ना, जब पंडित प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है, तो हम पंडित की श्रेणी में, हम बुद्ध की श्रेणी में नहीं है, तो हम पंडित की श्रेणी में रह के प्रमाद को हटाएं अप्रमाद से, और अपना आलस्य को हटा के अपना कर्म करें उसमें एनर्जी ना। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। एक ऐसे भी ख्याल आते हैं कि हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि अपना डेस्टिनी फिक्स्ड है, सो वी डोंट वर्क टुवर्ड्स चेंजिंग आवरसेल्व्स, कि जो होना है वो तो हमारा कंट्रोल में है ही नहीं, पर जरूर कंट्रोल में बहुत चीज हो जाता है। इवन डेस्टिनी कैन चेंज, यदि हम लोग के प्रयास एकदम सिंसियर हुए तो जरूर डेस्टिनी बहुत बदल जाती है। तो ये जो है प्रकृति के ऊपर भी हम लोग का नियम आ जाता है, इफ यू आर दिस थिंग हैविंग, यू नो। एक स्टोरी मुझे ऐसे याद आया कि हम लोग के जब एक सोसाइटी, श्रीविंद सोसाइटी का मीटिंग था पॉन्डिचेरी में, तो वन वेरी डिवोटेड पारसी, देयर पारसीज आर वेरी डिवोटेड एंड सिंसियर, जो भी करेंगे बहुत सही करेंगे। तो श्रीविंदो एंड मदर ऑल्सो ऑलवेज से दैट यू टेक केयर ऑफ योर मटीरियल थिंग्स। तो वो अपना गाड़ी के साथ खुद साफ करता था और खुद गाड़ी से बातें करता था, यू आर वेरी नाइस, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। तो आपको ख्याल होगा कि बहुत साल पहले क्रैश हुआ था, मेनी इयर्स बैक। तो ये वो अहमदाबाद फ्लाइट में जाने वाला था, पर इत्तेफाक से वो गाड़ी शुरुआत ही नहीं हुई, और मैकेनिक को मैकेनिक बोला कुछ नहीं आप जाइए, पर 1 घंटे का बाद खुद अपने आप जब वो ट्राई किया तो गाड़ी शुरू हो गई। वो एयरपोर्ट पहुंचा एंड ही सॉ दैट दे वर अनाउंसिंग, दे आर वेरी सैड टू अनाउंस दैट द प्लेन फ्रॉम बॉम्बे टू अहमदाबाद हैज जस्ट क्रैश्ड। ये जो कण कण में जो भगवान है और उनका जो सुजागी था, अपने दरेक प्रेजेंट कपड़ में जो भी चीज सामने आता है उसको इतना स्वीकार कर उसको प्रेम से हम लोग रहते हैं ना, तो वो भी हमारी रक्षा करती है। तो उसको ये जड़ वो था गाड़ी, पर वो गाड़ी के अंदर जो चेतना तो है ही है ना, सब पल कण कण में चेतना रहती है। तो जैसे हम लोग एज वी आर फोकसिंग ऑन द अवेयरनेस ऑफ दिस कॉन्शियसनेस, sometimes we get glimpses of what our past lives could have been, you know. So suddenly hum log ko ye thirst for knowledge, thirst for the thing, so maybe we are also half, you know, bole ke na ke yog drasht atmaye shayad honge jo abhi wapas apne karya pura karne ke liye aaye hain। तो कई बार मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है कि कभी अमुक समय बाद ही जागृति आ जाती है, पर इतनी तीव्र जागृति होती है कि अभी जो है वो ये जन्म में पूरा करना है जितना हो सके उतना। तो ये जो फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, और पास्ट जो है वो तो अपने संस्कार से बीत गए, हम लोग अलबेलापन में काफी टाइम बिता दिए, पर अभी उसका अफसोस नहीं करना है, अभी जो है उसका पर ध्यान दें और पूरा पूरा अपना तन मन धन लगाकर अपने आप इस मार्ग में चले, ऐसे मुझे ख्याल आया। नहीं, और मुझे लगता है कि ये भी कि अननोन है, जब तक अननोन है तब तक मन में वो शांति भी बनी हुई है। जैसे ही आप, जैसे पास्ट या फ्यूचर आपको यदि पता चल जाए, तो इमेजिन यदि किसी को पता चल जाए कि जी मैं ये मरने वाला हूँ, यहाँ पर मरूंगा एंड ऑल दैट, तो वो तो फिर वो पूरा जीवन उसका उसी में, उसी शोक में रह जाएगा। तो अननोन जब चीज होती है तो उसी में ही क्रिएटिविटी आती है, उसी में इनोवेशन आता है। आई थिंक दैट इज गुड। तो और वही ना, पास्ट का सोचो ना फ्यूचर का सोचो, लिव द मोमेंट। जैसे वही आपने कहा ना कि उन्होंने कहा कि गाड़ी साफ करो, तो वो गाड़ी को मतलब उतने प्रेम से वो करते गए, और कहा वो उनका वो अच्छा कर्म कैसे निष्काम भाव से उन्होंने करते गए, वहाँ फ्यूचर में वो उसका फायदा हो गया। हाउ थिंग्स आर रिलेटेड। चलिए आगे, हाँ किसी और पूछते हैं अभी। मोना आप बोलोगे? हाँ जी, मैं ये बोलना, जैसे कोई भी सिचुएशन होती है, कुछ भी होती है, जैसे हर्षा जी बताती हैं, मैं ऐसे देख नहीं पाती, मतलब जैसे भी इसमें भगवान का वो है, मैं बीच में
थोड़ा मतलब सिचुएशन पर्सन में उसमें दिमाग आ जाता है मेरा, मेरा भी मन करता है जैसे मतलब हर ऐसे सिचुएशन में भगवान का बीच में भगवान ने अगर ऐसे किया तो इसमें भी कुछ ऐसे होएगा, कभी कभी तो देखा जाता है, कभी कभी तो संसार में वो हो जाती हूँ। मतलब हर समय ऐसे देखना चाहिए, हर सिचुएशन में भी अगर ऐसे हुए तो इसमें भी कुछ वो है, भगवान ने जो किया तो। पर ये तो मेरे ख्याल से हम सभी के साथ होता है, कभी हम वही है ना जब हम कहते हैं कि कभी हम राम बन जाते हैं, कभी हम रावण है, कभी क्या, तो ये तो हाँ, हमारे वो हाँ, मेरा मुझे यही बोलना था होती है। हाँ वो धीरे धीरे वही है, पर ये है कि जो हम सत्संग करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा जैसे मैं आप जब ये कह रहे हो ना तो यही यही वाली बात कि मैं कि कोई चीज अभी कल मेरे साथ घटी और मैं उसे थोड़ी सी विचलित रही, पर बार बार मैं अपने आप को मतलब यही सोचती कि जो कुछ है कि बिलीव इन हिम वो सब कुछ ठीक कर देगा, तो वो भी है कि बार बार अपने आप को एक तरह का रिमाइंडर ही हो जाता है। हाँ और ये भी आता है माइंड में कि मतलब सारे टाइम एक जैसा नहीं रहता, टाइम चेंज होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी नीलम जी आप। नीलम जी कहीं से ना, हाँ मेरे ख्याल से वो सरिता जी का ही वो या कहीं से। नीलम जी आपका म्यूट पर है। हाँ जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समझ आया है के आलस्य छोड़ो और खड़े हो जाओ और अपनी ड्यूटी करो, जो आपका धर्म है उसमें लग जाओ और सत्य सत्य अनित्य को भूल जाओ और नित्य जो है उसको याद करो और अपने आप अपने में स्थापित होगे तो आपको सब नेगेटिव चीजों से दूर अपने आप होते जाओ, यही समझ है बेसिकली, यही समझ है। हाँ वो ये है कि बार बार वही आ रहा है कि लिव इन द मोमेंट रादर देन द मोमेंट की तरफ देखते रहो और वो वैसे भी हर चीज में हाँ हर चीज में वही कहते हैं। जो हर्षा जी ने प्लेन का एग्जांपल दिया दैट इज वेरी टचिंग एंड वेरी दिस थिंग मोटिवेटिंग, कि आपको भी ध्यान रखना चाहिए जड़ जड़ में भी कितनी शक्ति है, वो कार ने उनको इतने बड़े डैमेज इतने बड़े एक्सीडेंट से बचा दिया बिकॉज ही लव द कार, थॉट कि कार उसके जैसा ही एक चीज है, जड़ एक वो नहीं समझा और एक इंस्ट्रूमेंट नहीं समझा। ब्यूटीफुल एग्जांपल अर्षा जी की लाइफ का एक्सपीरियंस है ना really मुझे तो आपको बताऊं जब ये 9/11 हुआ ना तो मेरा ग्रैंडसन का तो भी जन्म होने वाला था, तो आई वाज कमिंग बाय एमिरेट्स एंड मुझे प्रैम लेना था, प्रैम यू नो बच्चे का लिए, वहां तभी तो यहाँ नहीं मिलती थी, आप टॉकिंग अबाउट 2000 24 साल पहले की बात है। तो ये जो था कि मैं एमिरेट्स में गई तो आई टोल्ड दैट आई वांट टू टेक दिस प्राइम विद मी, इट वाज 9/11 8/11 इट वाज बिफोर द वर्ल्ड टावर, एमिरेट्स वाज इन वर्ल्ड टावर एंड आई वाज आर्ग्यूइंग विद देम फॉर सो मेनी आवर्स एंड देन दे सेड यू कैन नॉट टेक द प्राइम, सो आई सेड ओके आई विल टेक द प्राइम, आई लीव वन लगे थे, मैंने सामान छोड़ दिया प्रैम लेकर गई। आई वॉज इन द एयरपोर्ट व्हेन आई हर्ड दैट दिस होल बिल्डिंग वेयर आई वॉज हैड क्रैश्ड एंड इट वॉज सच अ फ्राइटनिंग एपिसोड फॉर मी बिकॉज इफ आई वुड हैव बीन देयर ऑन द 9th मॉर्निंग देन आई वुड प्रोबब्ली नॉट बी अलाइव यू नो, सो आई हैड जस्ट लेफ्ट 8th इवनिंग एंड 9/11 प्रोटेक्ट यू Yes, divine protection. So sometimes you feel कि एक जो होता है ना कि अपने आप पर एक कवच बन जाती है with our thoughts, जिसे राम रक्षक कवच है वो हम लोग उसमें रामायण में सुनते, तो कई जन का अनुभव है कि राम रक्षक स्तोत्र से
कई जन का, जैसे मेरी बहू की भाई की शादी थी तो उनकी जो मामी है ना वो बहुत राम रक्षक स्तोत्र हर रोज करती है, तो उन लोग गए थे गंगा सागर, कलकत्ता में शादी हुई थी, पूरा गाड़ी 4 बार उल्टी खाई, सबको लगा कि इन लोग कोई है कि नहीं बचेंगे, बट दे ऑल वर सेव्ड लिटिल बिट लिबरल। एंड उसने कहा कि मैं जब ये राम रक्षक चौत्र बोलती हूँ ना, मुझे तभी एहसास हो रहा था कि कुछ होने वाला है, पर मैंने इतना मेरा प्रयास था कि सब ठीक रहे और देखो सब बच गए। तो ये जो कई बात है ना, पावर ऑफ प्रेयर एंड पावर ऑफ फोकसिंग इन द नाउ, जिधर भी है आप जब भी एंजॉय भी करते ना तो भी अपना कवच लेकर जाइए साथ में, वो मेरी अनुभव हो गई। यदि शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, अपना एक रूटीन। अच्छा जी, 4 बारी क्या किया आपने, 4 बारी क्या खाया? हाँ आपने बोला ना 4 बारी क्या करा, तो मैं गुलाटी खाई गाड़ी। हाँ और ये जो था ना कि गाड़ी फिर बैलेंस हो गई झाड़ के, जैसे मेरा हुआ था ना, मैं नहीं थी उसमें फॉर्चुनेटली, बिकॉज आई वाज बिजी, बट जो लोग थे तो देवर सेव, बिकॉज उसकी जो मामी जो है ना वो तो बोलती है मैं कुछ भी हो जाए, शादी हो, ब्याह हो, खुद का कुछ भी प्रसंग हो, मतलब मैं ये राम रक्षा स्तोत्र कर कर ही बाहर निकलती हूँ, मैं राम रक्षा स्तोत्र बोलती हूँ, घर में भी कुछ अनहोनी है ना होए, ये जो होता है ना एक पावर ऑफ प्रेयर। अच्छा चलो पहले मिम्मी जी बोल लेंगी, मैं भी बोलूंगी इस बारे में। हाँ मिम्मी जी बोलो पहले। हाँ नहीं मुझे लगता है देखो जो कुछ बोला है, एक मिनट मिम्मी जी, हाँ जी मेरे गेस्ट आए हैं, मैं जरा अभी बाहर बाहर हो रही हूँ, इतना अटेंड कर पाऊंगी, मैंने ब्रेकफास्ट कराना है घर में, बाहर से मेहमान आए हुए। ठीक है, ओके 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 जी, नहीं मुझे लगता है कि जो कुछ होना है वो तो होके रहेगा, वो जो हम अभी अननोन की बात कर रहे हैं कि अननोन हमें वो नहीं पता, और वो बहुत अच्छी बात है कि यदि हमें नहीं पता इसीलिए हम अपने प्रेजेंट में फोकस कर सकते हैं। और रही बात मतलब वो तो वो है ना कि जिसके साथ हो भी जाए, मतलब जैसे कुछ ऐसा हो भी जाए, अपशकुन घट भी जाए, तो उसको भी वही समझ के ले लो कि ठीक है होना था मेरे साथ, अब इसके ऊपर वही ब्रूड करते करते कोई फायदा नहीं, मतलब वो ये लाइफ कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, जैसे वही है कि एक्सीडेंट हो गया, चलो हो गया, अब गिरे पड़े हो और वो है तो गिरे पड़े तो नहीं रहोगे, उठोगे, इलाज कराओगे, वो सब कुछ करोगे, तो आई टेक इट दैट वे। और ये तो है ही कि वो जाकर आके साइयां मार सके ना कोई, जिसका वो हो, जिसका अभी समय नहीं आया है उसका नहीं आएगा। इतने अभी पीछे एक मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे हुआ था, वो जा रहा मतलब उसका नहीं था प्लान, उसको एयरक्राफ्ट से जाना था, और उसने कहा कि नहीं मुझे बॉम्बे जयपुर हाईवे देखना है, वो बाय कार गया और पीछे बैठा हुआ था, सब कुछ ठीक था, मतलब आगे ड्राइवर को जैसे झपकी आ गई या जो भी हुआ, और दिन का टाइम 9 बजे का सुबह का टाइम है, बैंग डाउन इन द सिंक, वो अभी कॉन्शियस था और ड्राइवर ऐसे गिरा हुआ था, उसको उसकी वो होने लगी, उसने फोन वोन किया एंड ड्राइवर बच गया, मतलब वो आ गई एम्बुलेंस आ गई एंड ऑल दैट, ड्राइवर बच गया एंड ही वो मर गया, मतलब फोन वोन कर दिया, सब कुछ उसने कर दिया, एम्बुलेंस बुलवा ली एंड उसके ऊपर नीचे मतलब कोई चोट नहीं, वैसे वो मतलब अंदर अंदरूनी चोट कोई आई, तो जिसका समय है जो समय है वो उसके अकॉर्डिंग ही वो सब कुछ हुआ जा रहा है, और वो वैसे ही जिसका समय नहीं है वो चला जाएगा, तो और वो ही हमारे साथ डे टू डे में है, किसी चीज जैसे जो हो रही है वो घटी जा रही है, वैसे हमें नहीं पता है, और बहुत अच्छी बात है हमें नहीं पता, तो बस उतना ही करें कि जिस सिचुएशन में उसका शुक्राना करते हो अपना 100%। ये बिल्कुल बियॉन्ड दैट यू कांट डू एनीथिंग। बहुत अच्छा सटीक बोल रही हैं बिम्मी जी, अपना बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव बोल रही हैं, बहुत ही बढ़िया बोला। और ये जो है ना, ये इसमें जो आज की जो स्टोरी है ना, स्टोरी में भी यही बताया है, वो उसमें जो पुराने जन्मों में जाने की कोशिश कर रहा था ना ये महाकश्यप, तो
तो वो कश्यप तो उन्होंने बोला इसमें ये समय बर्बाद कर रहा है, बुद्ध की अंतर्दृष्टि ने देख ली वो चीज कि वो अंदर में जो है उसमें जाना चाह रहा है, वो गलत ट्रैक पे जाना शुरू हो गया, उसका माइंड गलत ट्रैक पे जाना शुरू हो गया। तो यही चीज हमारे साथ होती है। ये बिल्कुल करंट का जो आप बोल रही है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा बोल रही है, सटीक बिल्कुल। अब ये जो हर्षा जी की जो मैं बात कहूंगी कि बिल्कुल ये उस वाले कहते हैं ना जैसे उस पॉइंट पर आने वाली है, प्रज्ञा वाले उस पे पॉइंट पे, लेकिन ये अभी ये वाला समझ का जो द्वार है, मैं ये कहूंगी कि ये समझ का द्वार भी हर्षा जी आपका एक पॉइंट अभी रह गया है, एक पॉइंट यही रह गया कि आपका कि आप ये जो मंत्रों की शक्ति बोल रही है ना, मंत्रों की शक्ति नहीं होती, कोई मंत्र मंत्र की शक्ति नहीं है। मंत्र हमारे लिए, मंत्र उस अवस्था को कहा जाता है बुद्ध की लैंग्वेज में, उस अवस्था को कहा जाएगा जो मुझे दुख से पार ले जाए, दुख से पार शरीर भाव आपको लेके नहीं जाएगा। हम मंत्र को पकड़े हुए हैं शरीर भाव के लिए, शरीर भाव को स्ट्रांग बनाने के लिए हम मंत्र पकड़े हुए हैं कि ये शरीर को प्रोटेक्ट कर देगा। वो नहीं होता, वो मन की, मन ने जो अभ्यास कर लिया बॉडी भाव का, तो मन को उस तरीके की डोज देनी है कि वो शरीर भाव से हटकर निर्विचार वाली स्टेट में पहुंचे, तब वो क्योर हुआ। अब वो जो बिम्मी जी ने बोला कि वो चाहे हमारे कोई भी जो जीता है मरता है सब कुछ उसके, हमें मर्ज होना है परम में जाके, एनर्जी है एनर्जी परम ऊर्जा में जाके मर्ज होनी है। बॉडी वैसे भी जड़ है, बॉडी में यदि एनर्जी नहीं तो बॉडी वैसे भी जड़ है, तो वो जो जड़ वाली चीज में मन को हमने मान लिया चेतन, और मन जड़ है, जड़ से बना है तो जड़ ही हुआ ना, जब फॉर्म है जिस भी चीज को हम देख लेते हैं वो जड़ हो जाती है, चीज जड़ होती है, वो जड़ मतलब मटेरियल हो जाती है, तो मटेरियल तो चीज का नाश है ही, तो मनोनाश हमें खुद करना पड़ता है अपने आप ही। अब मनोनाश को के लिए जो हम यूज करते हैं स्ट्रेटेजी जो भी अपनाते हैं वो मंत्र कहलाती है। अब उसमें मंत्र से, राम रक्षा वाले मंत्र से कुछ नहीं होने वाला। अभी जो करंट में है, मेरे को अब क्या चीज अडॉप्ट करनी है, अब क्या चीज मेरे को वे लेना है जिससे मैं विचार शून्य की तरफ पर जाऊं, तो वो मंत्र मेरा करंट में बनना चाहिए। इस चीज को कहा जाता है ये जागृति। मंत्रों से कुछ नहीं, पुराने मंत्रों को पढ़कर आप थोड़ी बहुत देर के लिए शांत हो जाएंगे, फॉर द मतलब वो पूरा माइंड को ही सही है। सही कहा आपने, सही वो माइंड सही सही कहा है, सही कहा है, ये चीज समझ आ गई। ठीक है, आपकी हंसी समझ आ गई, समझ आ गई। नहीं, आपने जो वर्ड यूज किया ना मनोनाश, मंत्र मतलब मनोनाश है, हम करते हैं कुछ भी और मंत्र का ये नहीं कि मुझे रटना रटना ही मंत्र रह गया, आप उसको अपने जीवन में उतार रहे हो, अपना कर्म कर रहे हो, उस समय आपका जैसे ये है कि कोई जैसे एक्सीडेंट हो गया और कुछ आप अपना या इलाज कराने की जगह मतलब आप वो आप वहां पर मंत्र जपने लग जाओगे तो पक्का मरोगे ही, मतलब ब्लड चाहिए। और वो आपने ये किया कि मंत्र से अंदर की वो ले ली आपने, ये जो पिल्स लेते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए शांत हो जाता है, तो वो थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन पिल्स नहीं लेनी है हमें, हमें उस जड़ को ही साफ कर देना है। सही बात है, पैदा होती है वो जगह ही नहीं रही तो ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी वो yes, yes, का yes. नाश करना है, मतलब सिर्फ जो हमारी जो चलती रहती है ना 24 घंटे, हम जो रखने का जो बॉक्स पड़ा है तो बॉक्स में तो चीज आएगी आएगी ना, वो बॉक्स को ही सफा कर दो वहां से, कि उसमें ना होगा ना गंद इकट्ठा होगा, उस पे काम करना है। स्पिरिचुअल बंदा ऐसे करता है ये चीज, वो अपने मंत्र अपने मंत्र निकलेंगे हर जगह। ये जो अभी विमी जी ने बोला, किसी ने जो क्योर करना है, कोई डिजीज आई है, वो उसका कौन सी वाली पैथी में इलाज है, एलोपैथिक में है, होम्योपैथी में है, तो वो देखना पड़ेगा, तो वो भी आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग लेते हैं। जितना इंसान को फोबिया होता है वो उस तरीके की उसमें जाता है। अब क्या है, आपका फोबिया ही जब खत्म हो गया, आपने मूल उसको मनोनाश को खत्म कर दिया, तो आपको क्या इनसिक्योरिटी है, तो आप पहले ही आप अमृत वाले तत्व में चले गए ना, अमृत अमृत को अपना लिया आपने, तो अमृत पीते ही आप सेव हो गए, सेव्ड हो गए, आपकी चाहे बॉडी चली जाए लेकिन यू आर सेव्ड। यस यस यस, दैट इज द वेरी हाई स्टेटस बट वेरी नाइस एंड थैंक्स फॉर सेइंग, बिकॉज़ आई हैव सीन सो मेनी पीपल दे रिलाय सो मच ऑन प्रेयर एंड फॉरगेट टू डू द राइट थिंग, यू नो, तो वो जो है ना वो भी एक वीकनेस ही है, यू नो, वो भी प्रमाद ही है। गॉड हेल्प दोस, नहीं वो एक स्टेटमेंट है ना, गॉड हेल्प दोस दोस हु हेल्प देमसेल्फ, आलस्य की बात कर रहे हैं ना, आलस्य त्यागो कर्म करो,
सही सही बात है यार, बहुत ही सुंदर सेशन जा रहे हैं आजकल, पता नहीं मेरे को मतलब इतनी सेशन से मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं जो मतलब वो बता आपने तो हमको वो करना चाह रही हूँ ना, ये स्टार्टिंग से ये चीज है, जैसे बीच में ना हम भूल भुलैया में घुसते हैं बार बार, वो डिस्कशन हे वाई चला जाता है, अब इस पे वो पॉइंट जो प्रज्ञा पॉइंट है वो पकड़ना जरूरी था इसमें आज के शब्द में, प्रज्ञा की क्या बताया yes, प्रज्ञा का किला वह चीज थी। अब मोना से पूछते हैं, जरा मोना चुप रह गई काफी, मोना जरा बताओ। मेरी भी यही थिंकिंग है, ये जो रिमी जी ने बोला ना वो गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्व्स, मेरी भी यही मतलब सोच है, मतलब खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है तभी भगवान, वो कहते हैं ना भी भगवान अपने आप ऐसे नहीं आता, भी बंसी बजाता हुआ आ जाएगा, हमें खुद हिम्मत करनी पड़ती है, तो भगवान जैसे अर्जुन ने किया तो भगवान ने उसका वो किया, ऐसे थोड़ी था अर्जुन की जगह भगवान ने खुद युद्ध किए भी, अर्जुन तू बैठ मैं करता हूँ, हिम्मत तो हमें खुद करनी, तो भगवान जरूर साथ देते हैं। बिल्कुल, ये जो चीज में हमने कही ना जैसे बांसुरी बजाते हुए जो तुमने बहुत सुंदर बोला, वो बांसुरी हमारी खुद की होनी चाहिए, बांसुरी नहीं बनते ना मन को लिए बैठे रहते हैं, बांसुरी हमारी हमें खुद बजानी है बांसुरी, वो मन खाली होते ही बांसुरी बन जाएगी, हमारे बॉडी तो बांसुरी है, बांसुरी बॉडी है, बॉडी के थ्रू करने हैं एक्ट, लेकिन बांसुरी बन के करने हैं, बांसुरी मतलब हो गई कि मन से पार, मन बीच में रुकावट पैदा करता है, तो वो हम खुद ही तो कृष्ण हो गए, वो कृष्ण वाली अवस्था जैसे कल थी, कल जो बॉर्न हुए थे कृष्ण, ऐसे ही आज हुआ है, ये डिस्कशन इतना एंड तक जाना चाहिए कि उसमें कृष्ण तत्व पर हम पहुंच जाएं। तो अब इस समय की जो अब करंट के जो सेशन चल रहे हैं ना, इस समय करंट की गीता का रोज की रोज जन्म हो रहा है, इस समय गीता जन्म रही है, क्योंकि हम उस पॉइंट तक चले जाते हैं इसमें अब, और इस पे जाना मतलब वो था, ये अब होने लगे हैं ये वाले सेशन, अब ये हर्षा जी मेरे ख्याल से तो आप आने लगी ना तब से होने लगा चलो आप हमारे लिए अच्छे हैं, और विमी जी हर्षा जी कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो खत्म करेंगे सेशन को। मेरे ख्याल से नहीं हो गया, बहुत ही सुंदर सेशन था, मुझे ऐसे ही कहना था कि आपने जो अभी कहा ना कि ये सही दिशा भूल जाते हैं हम लोग, जैसे भक्ति भाव में, या क्योंकि मेरे पिताजी और सब बहुत डिवोशन थे, कलकत्ता के थे ना हम लोग, तो बहुत इमोशनल है सब हम लोग, तो क्या हो जाते हैं भक्ति में हम लोग लीन हो जाते हैं और फिर एकदम वो हो जाते हैं, पर सही जगह तो वो है कि भक्ति भी ज्ञान बिगर अधूरा है, तो ये जो अभी हम भक्ति और ज्ञान मुझे दोनों डोज एकदम सही प्रमाण से मिल रहे हैं ना, तो मेरा और भी अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया है ये। उसमें ना ये भागवत पुराण है, मैंने भागवत पुराण पढ़ना शुरू किया, तो मदर बोलती थी कि पढ़ उसको पढ़, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता था ज्यादा, स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं आता था, तो वो भागवत पुराण पढ़ा तो उसमें बताया कि भक्ति जो है वो भक्ति तो है ही, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति भी अधूरी है। yes, yes, ज्ञान और वैराग्य के बिना, ज्ञान और वैराग्य की तलवार से भक्ति चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। यस यस, नहीं चलेगी, सही बात है, और हम लोग क्या है, ज्ञान वैराग आपसे बहुत अच्छा मिल रहा है, एकदम सीधा टू द पॉइंट, एकदम नो शॉर्टकट। अप्रिशिएट नहीं कर पाती, मेरी ना वीकनेस है, मैं ना कड़वे वचन जरूर बोल देती हूँ, जैसे मैंने आज आपको भी बोला है। नहीं, पर ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि जो मैं देखती हूँ जो पौंडीचेरी में जो रियल साधक है ना, उन लोग बोलते कि आप लोग आते जाते हैं पर यहाँ रहकर बताते हैं, तो अग्नि है, बहुत कम ही लोग ये अग्नि में रह सकते हैं, तो ये जो है ना ये अग्नि है, पर इसको हम लोग मीठा अग्नि बना देते हैं अपने सत्संग से, हम लोग इसको कंफर्टेबली इजी अपनी स्थिति में से जहाँ है हम लोग वहां से उठने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज सो हेल्पफुल, इजंट इट, परफेक्ट, यू नो, परफेक्ट, बहुत ही सुंदर सेशन है, चलिए खत्म करते हैं, जय श्री कृष्ण, यस, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, जय